कलीम भाई, आप यहाँ के कारपोरेटर है, यह मिसरवाड़ी इलाका जो है बहुत गरीब तबका है, मजदूर तबका है। 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, लोगों घरों में है, मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है लोगों को, खाने के लाले है। आप ऐसे वक्त में आप इनके लिए मदद के लिए आगे आए हैं, ये ख्याल आपके दिल में कैसा आया? साहब, हमारे मिसरवाड़ी के अंदर, दोनों वार्ड के अंदर इतना बेकार पोजिशन है कि यहाँ पे, यहाँ का पोजिशन ऐसा है कि 80% लोग जो है रोज कमाएंगे और खाएंगे, ऐसा पोजिशन है यहाँ पे। और ये वाड़ के लोगों को इतना मालूम नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा बोल के, तो हम घरों घर जाके इंक्वायरी करें, हमारे वाड़ के लोग भी हमारे साथ में, तो हम घरों घर जाके देखे कि किसी के घर में मतलब इतना बेकार आ रहा है कि खाने को नहीं है, मतलब एक टाइम पे खा रहे, एक टाइम पे भूखा मर रहे, ऐसा पोजिशन अभी। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे पास से पहले मैं मदद करूँ, बाद में दूसरों के तरफ जाके हम पूरा ग्रुप बना के उनसे भी मदद लूँगा, पर अभी मेरे से जितना होता उतना किया मैंने। अभी फ़िलहाल मैं 2000 बैग बना के मैंने 5-5 किलो की खुद मेरे हाथ से, मैं घरों घर जाके मैं खुद बांटने वाला हूँ। नहीं, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा बनाया है आपने, जो सोशल डिस्टेंस रखने का जो प्रशासन ने जो बोला है उसका पालन कर रहे हैं, तो आपने इसका नियोजन कैसा किया? घर दी नहीं होने रहे आप, भीड़ नहीं होने रहे, घर तक पहुँचा रहे आप? सब लोगों से मैं सबको जाके पहले एक दिन पहले अपील कर रहे कि भाई घर के बाहर कोई निकलेगा नहीं, हम खुद जाके एक एक घर में हम खुद हमारे हाथ से देंगे, क्योंकि हम अभी किसी को परमिशन नहीं है अभी फिलहाल में कि घर से भाई निकल के 10-12 लोग जमा हो। तो हमने पहले कुछ डिपार्टमेंट के लोगों से बोले कि उन्होंने भी ये बताया कि भाई ज़्यादा पब्लिक जमा नहीं होना, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करे कि हम खुद हम जाएंगे एक एक घर में और हमारे रास्ते में एक एक पैकेट खुद बांटेंगे। नहीं, अभी ऐसा भी कहा जा रहा है, पंतप्रधान ने जो 21 दिन का 14 अप्रैल तक के जो लॉकडाउन रखा है, इसके आगे भी बढ़ सकता है, इसके आगे का प्लानिंग किए क्या आपने? इसके आगे भी हमारे से जितनी मदद हो उतना करेंगे हम, मिसरवाड़ी के लोगों को हम जितना हो सके हम उतनी ताकत लगा देंगे, पर कोई चीज़ की ऐसी कमती होने देंगे। अभी हमारा ग्रुप का हमारा पूरे मीटिंग चालू है, वो सब ग्रुप बुला के एक मीटिंग लूँगा और जितनी मदद होती है मेरे से उतनी करूँगा मैं पूरे मिसरवाड़ी के। आज जो है तो हमारे नगर सेवक कलीमपुरी जी साहब, इन्होंने जो है 100 क्विंटल गेहूँ वाटअप करने का जो यहाँ पे संकल्प रखे, जिसके अंदर हमारे कार्यकर्ता मित्र मंडल जो कुरेसी के तरफ से हर घर में जाके जो तो 5-5 किलो गेहूँ के वाटअप करने वाले, और किसी किस्म की गर्दी या किसी किस्म का क्लाउड जो है तो नहीं होने देंगे, ऐसी जिम्मेदारी हम ले रहे। तो क्या आप डोर टू डोर जाके बांट रहे? हाँ, हर घर पे जाके लोगों को यहाँ पे ना बुला के, गर्दी ना करते हुए अपने अपने घर पे जो है तो जाकर 5-5 किलो का पैकेट गेहूँ का देने वाले। अभी तो नगर सेवक की तरफ से जो मदद हो रही उसके लिए हम सब सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए घर घर जाके और पब्लिक जो भी जरूरतमंद है उनको 5-5 किलो का पैकेट हमारे नगर सेवक की तरफ से दिया जा रहा है। और इसके बाद जरूरत अगर लॉकडाउन खत्म जल्दी नहीं हुआ तो आगे जो है तो हम कुछ नगर सेवक और कुछ हमारे से जो बनता, हमारे जो दोस्त लोग आए उनसे भी मदद करने के लिए तैयार है। क्या नाम आपका? बाबू खान। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।